गाइस मैं इंग्लिश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक कलिस। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे विवो का V23 ई फोन में जेड फोन अप्लाई प्रॉब्लम गाइस सॉल्व कैसे करें। गाइस अगर आपके भी फोन में एंड्रॉइड 11 या फिर एंड्रॉइड 12, ठीक है, कोई भी गाइस अगर आपके फोन में अपडेट आएगा तो अपने फोन में जेड फोन के जरिए गाइस फोन को अगर चेंज नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ से आपको बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे। गैस अपने फोन में जेड फोन के जरिए गैस फोन स्टाइल गैस कैसे चेंज करेंगे, आपको कोई पैसा पे नहीं करना होगा, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो प्रॉब्लम आएगी गैस प्रॉब्लम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएगी और अपने फोन में फोन को आराम आसानी से चेंज कर पाएंगे। गैस तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गैस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और गैस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गैस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए प्ले स्टोर गैस पहले ओपन करना है, यहाँ सर्च बार में जाना, आपको सर्च क्या करना, जेड फोन 3, ठीक है, आप सर्च करेंगे, आपको इस एप्लीकेशन को गाइस डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की 4.0 की रेटिंग है, 11 MB का एप्लीकेशन है, इसको 1 करोड़ से ज्यादा लोग एप्लीकेशन को गाइस यूज करते हैं। तो हम इसकी पूरी सेटिंग आपको बताएंगे गाइस कैसे आप इस जेड फोन के जरिए अपने फोन में फोन को चेंज करेंगे। हम देखिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ एग्री पर गाइस क्लिक करना है, आपको ग्रंट पर गाइस क्लिक करके यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे गाइस आपको यहाँ पे जो कि कलरफुल फोन खुल के आ जाएगा और नॉर्मल फोन खुल के आ जाए और यहाँ पे इमोजी भी खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए इस एप्पल वाले फोन पर गाइस क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड देखने को मिलेगा, ऐड को थोड़ा वॉच करेंगे और यहाँ से ऐड को हम स्किप करेंगे। डाउनलोड पर गाइस क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई पे गाइस क्लिक करके ग्रेट स्टार्ट पे गाइस क्लिक कर देना है। आपको नीचे मिलेगा यूज दिस फोल्डर, यहाँ गाइस क्लिक करके आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे गाइस क्लिक करना है। आपके फोन में यहाँ पे 15.9 MB गाइस डाउनलोड होगा तभी जो आप इसके आगे की सेटिंग कर पाएंगे, अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप आगे की सेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर गाइस ग्रेट स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना आपको। सबसे पहले अपने फोन में वाईफाई कनेक्शन देना होगा, वाईफाई कनेक्शन देंगे तभी गाइस फोन को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्शन देना होगा अपने फोन में। वाईफाई कनेक्शन देंगे, आपको ग्रेट स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना, डेवलपर ऑप्शन पे गाइस क्लिक करना, आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे और देखिए दो सेटिंग हम यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, यूएसबी डॉइंग इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको जो कि सेकंड वाला छोड़ के आपको थर्ड वाला जो तीसरा वाला है इसको गाइस ऑन कर लेना है और इसी पर गाइस आपको जो कि लेफ्ट साइड गाइस क्लिक करना है। आपको मिलेगा पेयर डिवाइस विद QR कोड, आपको फिर नीचे मिलेगा पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, तो पेयरिंग कोड पर गाइस आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको 6 अंक का गाइस कोड मिलेगा, इस कोड को आपको एंटर करना है। स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे एंटर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे गाइस आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एंटर करेंगे 94, 67 और 63, ठीक है, 94, 67, 63। हम देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं 94, 67, 63, 94, 67, 63। तो हमने देखिए गाइस यहाँ पे पेयरिंग कोड एंटर किया और यहाँ पे आपको राइट साइड में एरो को निशान मिलेगा, यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना है और आपके फोन में पेयरिंग कोड गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से बैक आना है, फिर से बैक आ जाना है और यहाँ पे गाइस ऊपर क्लिक करना, आपको स्टार्ट पे गाइस फिर क्लिक कर देना है। अगर आपके फोन में यहाँ पे गाइस ऐसे फोन डाउनलोड नहीं होता, ठीक है, जब आप स्टार्ट पे गाइस फर्स्ट टाइम अगर करते हैं स्टार्ट पे गाइस क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन एक मिलेगा नीचे, डेवलपर ऑप्शन पे गाइस क्लिक करके आप जो वहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन अभी हम ऑन किए थे जहाँ से आपको पेयरिंग कोड मिलता है उसी को गाइस एक बार ऑफ करके फिर एक बार ऑन कर देना, गाइस आपके फोन में यहाँ पे फोन डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक जेड फोन यहाँ पे बैक होगा और ऑटोमेटिक फिर आपका जेड फोन यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। हम देखिए स्क्रॉल करेंगे, देखिए फोन को डाउनलोड किए थे यहाँ पे लोकल का ऑप्शन बन के आ चुका है, लोकल पे यहाँ पे गाइस इस फोन पे हम क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, ऐड को यहाँ से बैक करेंगे, अप्लाई पर गाइस क्लिक करना है, उसके बाद चेंज फोन पर गाइस क्लिक करना है, आपको मिलेगा कस्टम जेड फोन, यहाँ पे कस्टम पे गाइस करके इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देंगे गाइस और आपके फोन में फोन स्टाइल गाइस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोन स्टाइल गाइस बिल्कुल चेंज हो गया, हमारे फोन में एप्पल का फोन ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे बिल्कुल सेटिंग करके अपने फोन में जो कि जेड फोन अप्लाई प्रॉब्लम को गाइस सॉल्व करके अपने फोन में किसी भी फोन को फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके फोन स्टाइल गाइस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।